स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सो गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेशेंस पर्सनल लोन ऐप से। अगर आप सभी लोन लेना चाहते हैं तो इसके अंदर कैसे आप सभी लोन के लिए अप्लाई करेंगे, यहां से दोस्तों आप सभी को मिनिमम 5 हज़ार से लेकर के मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन जो कि मिल जाता है। तो अगर आप सभी को भी लोन चाहिए सिर्फ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की मदद से, तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। चलिए मैं आप सभी को अप्लाई का तरीका बताता हूँ कैसे आप सभी इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो आप सभी प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे, आने के बाद सर्च करेंगे पेशेंस लिख करके सर्च करेंगे, तो इसका लोगो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसी एप्लीकेशन को आप सभी को यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आप सभी को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इसकी डाउनलोडिंग की अगर बात करें सो गाइस, तो 10 मिलियन से प्लस लोग अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं। रेटिंग की अगर बात करें 4.3 का इनका रेटिंग है, जो कि तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोग रिव्यू कर चुके हैं। आप सभी रिव्यू पढ़ना चाहें तो अंदर जाकर के रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। तो यहां से दोस्तों आप सभी को लोन मिनिमम 5 हज़ार से लेकर के मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक का लोन जो कि मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सभी यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं 24 मंथ के लिए, तो आप सभी को यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 2500 रुपए लगेंगे और आप सभी का मंथली ईएमआई 5391 रुपए हो जाएगा, जो कि 24 मंथ के लिए ये लोन लेते हैं। तो आप सभी को टोटल इंटरेस्ट 29384 रुपए टोटल पेमेंट करना होगा, 1,31,884 रुपए 24 मंथ में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इंडियन पर्सन होना चाहिए और आप सभी का एज कम से कम मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आप सभी का 60 वर्ष होना चाहिए। 60 से ऊपर है तो आप सभी को यहां पे लोन नहीं मिल पाएगा। तो इसके अंदर अप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे, चेक एलिजिबिलिटी होगा, उसके बाद KYC कंप्लीट करेंगे, लोन अमाउंट चूज करेंगे और आप सभी के बैंक अकाउंट में अमाउंट जो कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, NBFC एप्लीकेशन है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। तो अब चलिए मैं आप सभी को अप्लाई का प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइस, तो इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सबसे पहले लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करेंगे, जो भी परमिशन मांगेगा सबको अलाउ करना है। एग्री वाले पे क्लिक करके सभी परमिशन को यहां से अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। सबसे पहले यहां पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जिस OTP को आप सभी को यहाँ पे डालकर कंटिन्यू वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद नीचे लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, ये उससे नीचे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ आप सभी को यहाँ पे फिल करना है, जो पैन कार्ड के ऊपर है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जेंडर आप सभी को सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप सभी कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरी वाले में, खुद का कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सभी का मंथली सैलरी इनकम क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब आप सभी को पैन नंबर यहाँ पे फिल करना है, जो आप सभी का पैन नंबर है यहाँ पे फिल करेंगे। पैन नंबर फिल करने के बाद फिर से नीचे आना है, नीचे आने के बाद अब आप सभी को यहाँ पे आपको अपना एड्रेस जो कि फिल करना है, जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आप सभी फिल करेंगे। मैं यहाँ पे अपना एड्रेस जो कि फिल कर लिया हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी का सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक बार आप सभी यहाँ पे अपना सारा डिटेल चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप सभी को सबमिट वाले पे क्लिक करना है, जैसे ही आप सभी यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे कुछ समय यहाँ पे आप सभी का वेरीफाई और डिटेल्स में रहेगा। सो चलिए हम यहाँ पे कुछ समय वेट करते हैं, उसके बाद जो भी आप सभी को अमाउंट मिलेगा स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा जितना अमाउंट मिलेगा। जैसे कि अगर आप सभी को मान लीजिए यहाँ पे 5 हज़ार का लोन यहाँ पे मिलता है, तो अगर आप सभी यहाँ पे 3 मंथ के लिए मिलता है 5 हज़ार का लोन, तो आप सभी का मंथली EMI 1768 रुपये आएगा, टोटल इंटरेस्ट 304 रुपये हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप सभी यहाँ पे कैलकुलेट भी दिया हुआ है अपने हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सभी यहाँ पे 50,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आप सभी को कितने मंथ के लिए मिल जाएगा वो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 15 मंथ के लिए 50,000 का अगर लोन लेते हैं आप सभी, तो यहाँ पे आप सभी को 15 मंथ का भी समय मिल सकता है।
कितना आप सभी का पर मंथ ईएमआई आएगा, कितने मंथ के लिए लेंगे, तो टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि थ्री मंथ के लिए लेते हैं तो 17,500 का मंथली ईएमआई आएगा, सिक्स मंथ के लिए लेते हैं तो 9,138 रुपये का आएगा, नाइन मंथ के लिए लेते हैं तो 6,357 का आएगा, 12 मंथ के लिए लेते हैं तो 4,973 रुपये का मंथली ईएमआई आएगा, और 15 मंथ के लिए लेते हैं तो 4,057 रुपये का मंथली ईएमआई आएगा। टोटल इंटरेस्ट आप सभी को कितना लगेगा वो इधर दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप सभी यहाँ पे चेक कर लेंगे अपना सारा डिटेल। जैसे ही चेक करेंगे आप सभी को जो भी अमाउंट मिलेगा स्क्रीन पे आप सभी को दिख जाएगा। उसके बाद आप सभी यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे और अमाउंट को अपने अकाउंट में जो कि ट्रांसफर कर लेंगे। सो गाइस, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल लोन नहीं लूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कई एप्लीकेशन से लोन ले चुका हूँ, इस वजह से मैं अभी फिलहाल यहाँ पे लोन नहीं लिया हूँ। अगर आप सभी ज़्यादा इमरजेंसी में है तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप सभी को यहां से निश्चित जो कि जो भी अमाउंट मिलेगा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है, आप सभी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप सभी को यहां पे किसी कारणवश नहीं मिल पाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, 4-5 वीडियो का लिंक मैं डाल चुका हूं जो कि जहां से मैं खुद लोन ले चुका हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में आप सभी जरूर बताएंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।